Which of the following cyclone damaged Sundarbans region in 2020? तो 2020 में सुंदरबन रीजन को वेस्ट बंगाल के अंदर किसने सबसे ज्यादा डैमेज किया था? इसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये चीजें कम पूछी जाती है। वंस यू बिकम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या उस पर्टिकुलर कमीशन को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इलेक्शंस को लेकर नहीं आता, लेकिन वहां पे जितनी भी पार्टीज खड़ी हैं इलेक्शन के अंदर फाइट कर रही हैं, दे आर सेइंग द सेम थिंग कि एक बार हम जीत के आते हैं तो जो सुंदरबन का एक डेवस्टेशन देखा गया था पिछले साल, या सुंदरबन जो यहाँ पे डैमेज हुए थे एक पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से, हम उसको रीबिल्ड करने में हेल्प करेंगे, ऐसा वेरियस पार्टीज कह रही हैं। ठीक है, अब पार्टीज कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ना होना चाहिए। अभी राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा साइक्लोन था जिसकी वजह से सुंदरबन नष्ट हुए थे, क्योंकि काफी सारी पार्टीज हैं वो यही कह रही हैं कि सुंदरबन जो पिछले साल नष्ट हुए थे उनको हम दोबारा निर्माण करने में उसका हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे बुलबुल था, फेनी था, निसर्ग था या फिर एम्फान था, सोचे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुंदरबन को डेवलपमेंट करने के लिए वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बंगाल की जनता है उनको मोटिवेट किया जा सके, परसुएट किया जा सके ताकि उनके वोट को हासिल किया जा सके। सुंदरबन रीजन जो था लास्ट ईयर एम्फान की वजह से काफी ज्यादा डेवस्टेट हो गया था, काफी ज्यादा डैमेज जो था वो यहां पर देखा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, तो बे ऑफ बंगाल में आया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा एम्फान के बारे में। बाकी भी जो बुलबुल है, फेनी है, निसर्ग है, ये भी कहां कहां पे आए थे बताइएगा, और इनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ था वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर।